आपका बेटा प्रवीण है हैदराबाद से लापता। पुलिस ने अभी तक कोई खोजबीन नहीं की। हैदराबाद में एक वर्ष पूर्व मजदूरी करने लेकर गया मोहन सिंह माने देवगढ़ थाने में दर्ज करवाया गुमशुदगी का मामला। मोहन सिंह प्रवीण को हैदराबाद अपने किराने की दुकान पर नौकरी करने के लिए ले गया था। देवगढ़ थाने में एक अबला माँ द्वारा अपने बेटे के गुमशुदगी का मामला दर्ज करवाया गया है। देवगढ़ थाना की पेपली नगर ग्राम पंचायत के जारला निवासी महिला शांता देवी पत्नी अमर सिंह रावत ने अपने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई है। शांति देवी ने बताया कि एक साल पहले इसको मोहन सिंह पिता बन्ना सिंह रावत निवासी काली काकर काशवाली भीमहाले निवासी बोलेश्वर मुक्त बेगम पैट हैदराबाद जहां इसकी होलसेल की किराने की दुकानें थी। मां शांता देवी पति अमीर सिंह रावत निवासी गालीला पिपली नगर थाना देवगज के दर्ज रिपोर्ट में बताया कि मोहन सिंह रावत एक मेरे घर आया था और कहा कि मेरे हैदराबाद में किराने की दुकान है, उस पर तुम्हारे बेटे प्रवीण सिंह को भेज दो तथा साल के 80,000 रुपए वार्षिक तनख्वाह के रूप में एक मुश्त दूंगा। इस पर मैंने अपने बच्चे को वहाँ बेचने का मन बना लिया और मैं अपने खेत पर चली गई। शाम को जब वापस आई तो विपक्षी वापस घर आया और मुझे विश्वास दिलाया कि बच्चे को मौके पर मेरे साथ भेजें और इसका वह अच्छा ख्याल रखेगा, कभी किसी की बात समस्या नहीं आएगी। मैं विश्वास में आकर अपने बच्चे प्रवीण को मोहन सिंह के साथ उसकी दुकान पर काम करने के लिए भेज दिया। वहां जाने के बाद मोहन सिंह द्वारा महीनों में एक बार ही फोन बात करवाया करता था। गत महीने से 20 मई को सुबह 9 बजे हैदराबाद से मोहन सिंह को फोन आता है कि आपका बच्चा कल रात 19 मई रात 11 बजे से गायब है। वही होम डिलीवरी देने के लिए गया था पर वापस नहीं आया। उसके बाद में मेरे बच्चे का कोई अता पता नहीं है। मोहन सिंह को अपने बच्चे के बारे में जानकारी पूछते हूँ तो विपक्ष के द्वारा गाली गलौज का डराया धमकाया जाता है और कहता है कि अपने बच्चे के लिए कभी भी फोन मत करना। बार बार फोन करने के बाद भी प्रवीण के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं दी जा रही। वही जांच अधिकारी बाबूलाल ने बताया कि महिला के बेटे के गुम होने का मामला दर्ज कर लिया गया है और विशेष टीम का गठन कर टीम को हैदराबाद भेज कर पूरी जाँच की रिपोर्ट की जाएगी। हैदराबाद में युवक के गुम होने की रिपोर्ट दर्ज करवा रखी है। महिला के बेटे का जल्द पता लगाया जाएगा। तारीख को उससे मार कर भगाया और वो अभी गाली देता है और बोलता है पता नहीं है मेरे बच्चे मारे बच्चे को पता नहीं है अभी तो पता नहीं है उसको तो धंधो कराऊ मुझे घोड़ो रहा को दुकान ना खुली ले गया था ले गया तो फास ले गया तो कहो घोड़ो रहा को फास एक एक बड़ी बात करा एक बड़ी बात करा तो वो रेंट से बात कराते वो भी रात कराते तो माँ मिले मिले एक एक बात कराते वो कम हो रो हूँ जब मैं कभी हो रो वैसे बात नहीं करते मेरे मेरे गणों की अभी तुम मेल तो नहीं मिली हो फिर मार मेले सर भाई नहीं जिन लोग के तो मिल लो तो नहीं मिली हो भाई मिलो को अंदर मेरे की बार बार रहने तो हो रो अंदर होते ही रहेगा फंसे मैं वो खाता नंबर दी था 9 बजे उन्हें तो खूब काट कर दिया मोहन सिंह काट कर दिया उन्होंने हैदराबाद अभी आप तब तो कौन स्कूल तो नहीं लाग रही को कुटे स्कूल खाना में गया क्या वो आगे खाना में कार ही करिया कौन है क्या बोल रहे हैं कौन बोल रहे हैं कि जाओ आजकल जाओ आजकल जाओ था क्या विक्रम बोल रही हो विक्रम ये गाड़ी बोली था ये बोली फंसा है उनका उल्टा था मैटर तेरा बेटी भी वो भी कितनी जिंदगी में कर जाऊँ थी और परिवार वाले चलते परिवार क्या है काम करता है